रुख करते हैं अगली खबर का। खबर किसानों के नाल जुड़ी हुई है। गुलाबी सुंडी के नाल प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। पंजाब सरकार के वलों 416 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया। 76 फीसद तो वध नुकसान से 12,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों दिए जाएंगे। 33 तो 75 फीसद के नुकसान से 5,400 रुपए मिलेंगे। 26 तो 32 फीसद के नुकसान से 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब के नाल मुआवजा दिता जाएगा। सरकार मुताबिक गुलाबी सुंडी के नाल 4,00,000 एकड़ रकबे का नुकसान होया है। सरकार के मुताबिक गुलाबी सुंडी के नाल 4,00,000 एकड़ रकबे का नुकसान है। तो दस दिए कि मालवा बैल्ट के पिछले दिनी नरमे की फसल का वड्डे पद्धर से नुकसान होया, जिसकी वजह बनी गुलाबी सुंडी। पिछले दिनों दौरान जो सीएम चन्नी दे वल्लों प्रभावित इलाके का खेतों का दौरा किया गया, मुआवजे का ऐलान किया गया। आखिरकार हुण मुआवजे का विस्थार दे नाल पूरा ऐलान कर दिता है। पंजाब सरकार के वलों 416 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया। तुहानूं एक बार फिर दस दिंदे हां कि जेकर 76 फीसद तों वध किसानां दी फसल का नुकसान होया तो फिर 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब के नाल मिलणगे। जेकर किसानां दी नरमे की फसल का 33 तो 75 फीसद का नुकसान होया तो फिर 5,400 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब के नाल किसानां नूं दित्ते जाणगे। 26 तो 32 फीसद के नुकसान से 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब के नाल प्रभावित किसानां नूं मुआवजा दिता जाएगा। इस खबर से ज़्यादा जानकारी मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हुए हैं। पंकज, जिमें कि पिछले दिन ही मालवा बैल्ट के भी नरमे की फसल का वड्डे पद्धर से नुकसान होया, तो आखिरकार हुण सरकार के वलों पूरे विस्थार के नाल इस मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। विस्थार के नाल जानना चाहेंगे आखिरकार किहड़े हिसाब के नाल इस मुआवजे का ऐलान किया गया, कदों तक यह प्रभावित किसानों तक मुआवजा पहुंचेगा। तो ही सरकार का दावा है कि मुआवजा देना जो शुरू कर दिया जाएगा और दिवाली तक पूरा मुआवजा दे दिया जाएगा। 416 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान जो किया गया। करीब करीब 4,00,000 एकड़ का जमीन से जी फसल लगी थी उसका नुकसान होया और जे मुआवजा का एक रूपरेखा तैयार की गई। 3 स्लैब तैयार किए गए हैं जिस जिन्हों की फसल 76 तो 100 फीसद खराब हुई है 12,000 रुपए प्रति एकड़ दिता जाएगा। जिन्हों की 33 तो 75 फीसद तक फसल खराब हुई है उन्होंने 5,400 रुपए प्रति एकड़ दिता जाएगा और जिन्हों की 26 तो 32 फीसद तक फसल प्रति एकड़ खराब हुई है उन्होंने 2,000 रुपए प्रति मुआवजा जो दिता जाएगा। हालांकि किसान जथेबंदियां ज्यादा मुआवजे का मांग कर रही थी, लेकिन सरकार का यह तर्क है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर ना गलबात करके यह फैसला लिता गया और इस जी पिछले दिनों के गड़ेबारी हुई है, मीह पिया है, उस भी जी फसल खराब हुई है उसकी भी स्पैशल गदावरी जी है वो करवाई जा रही है और उस बाद उससे भी ऐलान जो किया जाएगा। ठीक है, ठीक है पंकज, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो गुलाबी सुंडी नाल प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। 416 करोड़ रुपया कुल जिहड़ा मुआवजे के रूप के किसानों को दिता जाएगा। 76 फीसद तो वध नुकसान से 12,000 रुपए प्रति एकड़, 33 तो 75 फीसद के नुकसान से 5,400 प्रति एकड़, 26 तो 32 फीसद के नुकसान से 2,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा प्रभावित किसानों को मिलेगा।